सारी दुनिया की खुशी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशी श्वेता के साथ में। तो आप स्टार्टिंग की वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। तो हम लोग भैया भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने उनके लिए गिफ्ट लिया है, वो है एक रिंग। आप लोग बताना कि ये कैसी लग रही है कमेंट में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेकोरेट करने वाले हैं और विवेक है ये बलून्स फुला रहा है, मतलब एनिवर्सरी टैग है उसको फुला रहा है। इतना जोर लगा। एक तो विवेक से कोई काम होता नहीं है, एक काम देते हैं उसमें भी उसको आलस आ रहा है, उसे करा नहीं जा रहा है काम, ऐसा रहता है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना सारा ये विवेक फुला फुला के परेशान हो रहा है। तो बताते हैं, आज हमारे भैया भाभी की एनिवर्सरी, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम लोग को सरप्राइज दे रहे हैं, ये सब बंद करके ये सब चीजें कर रहे हैं। अब विवेक मेरे साथ हेल्प कराने वाला है। अब वो हम लोग ने दीवार पूरी खाली करी है, उस पर हम लोग टैग लगाने वाले हैं। चमचम लगाया, हवा के कारण ये बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा था, तो हम लोगों ने कुछ सोचा फिर सेंटर पे। विवेक क्या हो रहा है? इससे नहीं पूछो मैं क्या कर रही हूँ, क्या किया बता। थक गई हूँ, कौन करते करते इसकी आवाज सुन दे। एवरीवन, तो हम लोगों ने ये भर लिया है इस बलून के अंदर, और हम लोग ने इतने सारे बलून फुला के रख लिए हैं। तो अब हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि इसको कौन पहले फुला लेगा, और फुलाना भी है और गठानी लगा के कंप्लीट करके उड़ाना है, ठीक है। तो पर फैन चालू, फैन पे नहीं, मतलब थोड़ा छोड़ देना ऐसे करके, नीचे करना रेडी। और आप लोग बताना गाइस, अगर किसी ने भी चीटिंग कर ली तो रेडी। चलो कौन जीतता है गाइस? गाइस, हम लोगों ने इतनी मेहनत से इसको रेडी किया है, और बलून ना इतने ज़्यादा फूट रहे थे कि क्या बताएं, क्योंकि फैन चल रहा था, कूलर भी चल रहा था, इसलिए वो बलून फूट रहे थे, लेकिन हम लोग को बहुत मेहनत। चलो गाइस चलते हैं।
बताइए गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये मैं खुद से तैयार हुई हूँ। सच में पहली बार मैंने खुद से तैयार हुआ है, अभी भाभी तैयार हो। तो गाइस कितने सारे मेहमान आए हैं। लग चुका है, अब भाभी का तैयार मेकअप भी हो गया है, अब नेकलेस पहनेंगे। नेकलेस कहाँ गया, घूम गया क्या? नहीं, ये रहा। अब आपको नेकलेस दिखाती हूँ मैं, खोल के दिखाओ, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा है वो। अभी बिंदिया, हाँ ये बिंदिया। गाइस देखो मैंने सब्जी बना ली है, मस्त बनी सब्जी। दीदी की पनीर की सब्जी तो बन चुकी है, बहुत टेस्टी है। और अब हम लोग केक काटने वाले हैं। ओ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप, और हमने जो डेकोरेट किया है वो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। अनु सक्षम बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको सबसे पहले केक चाहिए रहा। भी तैयार हो चुकी हैं, अब केक कटने वाला है। सॉरी आपके भी ना काफी कट जाएगा। आज But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. आप सोच रहे होंगे कि हम लोग गाना क्यों गा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि गाना हम लोग इसलिए गा रहे हैं कि हम गाना लगा नहीं सकते, नहीं तो हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए तो इन भैया भाभी ने आपस में रिंग पहना दिए, थोड़ा जल्दबाजी में मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। बाकी हम लोग को मजा बहुत आ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे केक काटने का, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब यहाँ भैया भाभी केक काट लिए, लेकिन हमको सबसे लास्ट में मिले, इतना गुस्सा आ रहा था ना हम लोगों को। सब खड़े होकर सब देख रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, मज़े से मस्त फोटो वीडियो ले रहे हैं मस्त। अब क्या करें, पहले भैया भाभी फिर हम लोग, फिर ये गप से खाया। अब ये बड्डी आ चुकी है, अब बड्डी भैया भाभी को गिफ्ट देगी। भैया को तो नहीं दिए, भाभी को गिफ्ट दिए, साड़ी गिफ्ट करी है। ये दादी है हमारी, अन्नू घूम रही है आजू बाजू, वो अन्नू भी भाभी को फिर केक खिलाएगी बड़ी प्यार से। देखो उसने सबको केक खिला रही थी, और मुझको भी केक खिलाया था उसने। और तो ये मम्मी है,
ये भैया भाभी को केक खिला रही हूँ और बाजू में हमारी दादी खड़ी हुई हैं। और यहाँ मुझसे बॉक्स बंद हो गया था, गलती से कुछ तार हिल गया था, तो फिर उसके बाद मम्मी ने फिर भाभी को केक खिलाया। मम्मी ने तो साड़ी भी नहीं चेंज करी थी क्योंकि मम्मी को खाना बनाते हुए इतना टाइम लग रहा था और सभी लोग का खाना था और गेस्ट भी आए हुए थे, इसलिए फिर मम्मी को समय ही नहीं मिला था। हम लोग तो चलो थोड़ा बहुत रेडी हो ही गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने फिर भैया भाभी को फिर उनको केक खिलाया। मैंने कहा चलो मैं भी खिला दूँ, नहीं तो सब खिलाते जाएँ, मैंने खाऊँ। फिर किट्टो ने एक गिफ्ट बनाया, मतलब एक फ़ोटो फ्रेम करके लेके आई है, मतलब उसने खुद अपने हाथों से किया। आप सोचे होंगे ये कौन है, तो मैं आपको बता दूँ, ये भाभी की भाभी हैं और ये भाभी के बड़े भाई हैं और ये इनको केक खिला रहे हैं। और दीदी इनको तो जानते हो, सुशी हमारे ब्लॉक में जुड़ी ही रहती हैं, ये भी रेडी नहीं हो पाई क्योंकि ये खाना बना रही थी। तो ऑलमोस्ट भैया भाभी रेडी हो पाए और कोई ज़्यादा रेडी हो ही नहीं पाए। यहाँ भैया भी अब सतीश भैया भैया केक खिला रहे हैं भाभी को, भैया को केक खिला रहे हैं। बाकी बहुत मज़ भाभी की एंट्री बहुत ही धासु तरीके से हुई थी, बहुत ही अलग, जैसे कि ब्राइडल जाती है जयमाला करने के लिए बिल्कुल वैसे ही। और बहुत ही अच्छी ये वीडियो एडिटिंग करी है, बहुत बढ़िया लग रही है ये चीज़। इसमें सबको ऐड किया गया है, सब लोग दिख रहे हैं, जितने लोग भी थे केक कटने टाइम पे सारे लोग दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है भाभी के देवर, ये देवर केक खिलाते नहीं है, ये केक लगाते हुआ है। और ये हमारी चाची हैं और बुआ केक खिला रही हैं और ये लोग भी रेडी नहीं हो पाए थे, समय नहीं मिला क्योंकि ये ऐसा था। तो सबकी फ़ोटो वोटो सब साथ में ली और हम लोगों ने फिर बहुत मज़ेदार फ़ोटो ली थी। तो ये भाभी की भाभी हैं और ये भाभी की भाभी हैं और ये हमारी किट्टो बिक्का, सब साथ में फ़ोटो लिए थे। फिर हम लोग को सबको नाश्ता देना था, मस्त नमकीन केक वगैरह। तो ये हमारी दादी बैठी हुई है बाई को, हाय मैंने बोला बाई हाय करो तो बाई हाय कर रही है। और फिर हम लोग अंदर गए तो यहाँ सभी लोग तैयारी कर रहे थे, मतलब सब नाश्ता लगा रहे थे। हमारी चाची बैठी हैं, बुआ हैं, भैया हैं, सब लोग। फिर विवेक सबको ये हमारी लास्ट में मम्मी पापा, मैं इनको बता ही नहीं पाई। कर रहे हैं बतावे के लाने कि हमने काम करो तो देखो पता नहीं कौन ने बनाई है लेकिन अच्छी बनी है। ये बनाई है, जा मोड़ी है, जा। अब मैंने ये बनाया, ये इसमें से जा जा जा, तो बस बातें बतवालो वाली जा। मैंने जो बातें देख, जो सफेद सफेद दिख रहा हूँ, मेकअप दिख रहा है, कितना भयंकर दिख रहा है। देखो जो बुआ लगी है सलाद काटने के लिए, अब हम लोग सबको खाना खिलाएंगे। और गाइस आपको ये हमारी फैमिली पसंद आई हो तो गाइस आप लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये छोटी सी फैमिली आपको कैसी लगी। और किट्टो तो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, चलो अपन गिफ्ट खोलते हैं। खोलो खोलो जल्दी से खोलो, क्या है, आराम से खोलते हैं, पन्नियां काम आएंगी। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी तो हम लोगों ने गिफ्ट ओपन नहीं किए थे, तो फिर हम लोगों ने सुबह गिफ्ट ओपन किए हैं।
तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट आया है, ऐसा नहीं है। और गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति लिखी से, और बहुत ही प्यारी, मतलब उनका जो फेस है ना वो बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत सुंदर लगा। तो गाइस आप वीडियो लाइक करिए, अब हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बाय बाय। और मुझे कृष्ण भगवान तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, मैं सही बताऊँ, और ज़्यादा कर कृष्ण ही भगवान ही गिफ्ट में आए, राधा कृष्ण बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर लगा। आप जल्दी से कमेंट करिए और लाइक करिए, बाय गाइस, बाय बाय।